प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बुजुर्ग गायक पंडित यशवंत बुआ जोशी जी आए हैं, उनके साथ मैं श्री कृष्ण दलवी और श्रीमती शोभा जोशी, हम दोनों हैं। हम और पंडित यशवंत बुआ जोशी जी के बीच बातें हुई।
पंडित जी, अभी आपने यमन में ये बंदिश हमको सुनाई, ये राग यमन जो आपने आज गाया उसकी कोई खास वजह है? हाँ, ये यमन ये राग ऐसा है कि सब रागों में यमन ये राग रागों का राजा है। अच्छा। और ये मन इसमें है कि जो ये मन जो चाहे सो यमन में कर। वाह, इतना फ्रीलांस राग है कि जो सुर है उसको नेरेगा मधानी, उसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन कोई भी करो यमन ही होता है। मतलब के यमन इतना फ्रीलांस राग है, एक परिपूर्ण राग, परिपूर्ण राग कि अच्छा। जो चाहे मन वो परमिटेशन बन सकता है और राग वही रहता है। आज आप एक बुजुर्ग गायक के नाते पहचाने जाते हैं। अभी जो आपने ये बंदिश गाया, हाँ, तो आपके पहली महफिल जब हो गई होगी बहुत सालों के पहले, उनकी कोई अगर आप याद दिला सकते हैं कब हुई? अगर उस महफिल के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं तो। वैसे हमारी पहली महफिल 1961 में हुई। आपकी उम्र उस वक्त कितनी होगी? ये समझो 30-40। पहली महफिल आप जब 30 साल के थे तभी? नहीं, इसके पहले, लेकिन हम बम्बई में थे तभी, 50 में बम्बई आए। लेकिन अच्छा। वैसे आप जैसे बोलते कि पहली महफल वो 60-61 में हुए। पुणे में बालकिशन बुआ इचलकरंजीकर, हमारे गुरुजी के गुरु, आपके गुरुजी मतलब मेरा शिव, उनके गुरुजी बालकृष्ण, बालकिशन बुआ इचलकरंजीकर, उनकी बरसी पुणे के गांधर महाविद्यालय जो है विनायक बुआ पटवर्धन का, वहाँ हमेशा दर साल बनती थी फेब्रुआरी में। तो 60-61 में हमारे गुरुजी ने हमको एक खत लिखा कि भाई इस साल अब बालकिशन बुआ इचलकरंजीकर की जो हम बरसी बन रहा है और आप आके गाइए। मतलब आपको बम्बई से पुनः बुला लिया? हाँ, बुला लिया। तभी हमारी बुआ की भी उम्र बहुत थी हमारे गुरुजी के, तो बोले हमारे भी उम्र ज़्यादा हो गया, आप आने से ज़रा बालकिशन बुआ की बरसी भी तगड़ी रूप से हो जाएगी। अच्छी बात। तो बस इसीलिए मैं गए उधर पुणे में गांधर्व महाविद्यालय में, और शाम की महफल थी। क्या गाया तो, था आपने कुछ याद? ऐसे कि प्रिया धनाश्री बिहाग, ऐसे कोई खास ग्वालियर के ही गाए। उसकी कुछ खास याद है उस महफिल की आपके मन में अभी भी, या उसमें बताने तो लायक मतलब ऐसे कुछ? उस रोज हम बोल नहीं सकते, लेकिन गाना बहुत जम गया था। तो गाना होने के बाद बुआ जी ने मेरे को नीचे, स्टेज पर थे हम और बुआ ऐसे नीचे बैठे थे, तभी आइए बोले यशवंत आइए इधर, तो पास में लेके बैठे और बोले कि आज बालकृष्ण बुआ की बरसी अच्छी हुई, आज बहुत तगड़ी हुई आप आने से। मेरे को डर लगा कि बालकृष्ण बुआ की बरसी और हम क्या गाएंगे, लेकिन ये एक सर्टिफिकेट मिल गया कि बुआ ने हमको आशीर्वाद दिया उस रोज, मतलब गुरुजी का सही रूप में आशीर्वाद। हाँ, आपको उस दिन मिला। मीराशी बुआ ने आपके गाने को बहुत सराहा। हाँ। और आपके ऊपर एक गायक की मोहर उस दिन लगी, ये भी गुरु का भी सर्टिफिकेट मिल गया, ये सबसे ज्यादा। हाँ। और दूसरी एक बात ऐसे कि पुणे की बात है, हमेशा वो गुरु पूर्णिमा का उत्सव पहले से हमारे बुआ जी मनाते थे बहुत साल पहले। अभी आजकल बहुत जगह गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है, लेकिन हम बोलते कि 40-50 साल पहले बुआ के यहाँ हमेशा गुरु पूर्णिमा का उत्सव पहले उनके बंगले पर होती थी, बाद में की हॉल लेके पुणे में। तो एक गुरु पूर्णिमा एक सदाशिव पेठ है पुणे में, उधर मिरज जूनियर करके को राजे थे जी। उनका वाड़ा है मलेकर बेंगलोर, तो उनके यहाँ हॉल लिया था उनका। तो अच्छी रात महफल हुई थी, तो वो महफल की याद ऐसी है कि उस महफल को निवृत्ति बुआ सरनाइक, जगन्नाथ बुआ पंढरपुरकर, एक इतने नाम तो मालूम है हमको, एक प्रहलाद जोशी करके, ऐसे गिने चुने बहुत अच्छे लोग वो महफल में आए थे गुरु। क्या वो लोग भी उस महफल में गाने वाले? हाँ, गाने के लिए आए। हाँ, गाने। अच्छा। और हम यहाँ से गए और कोई ऐसे समझो 12:30 बजे कुछ गाने को बैठे जी। उसी टाइम याद है मेरे को, मैंने गौड़ मल्हार गाया था। वाह,
क्या गौड़ मंगल में कौन सी बंदिश कुछ गाई थी, कुछ याद है अगर कुछ ऐसे आप याद है? हाँ, वो बहुत पुरानी बंदिश है, नजरा नहीं अंदावे। हाँ, तिलवाड़े की बंदिश है। तिलवाड़ा तो मतलब आपके आपके घराने का वो ग्वालियर का तो खास खास ताल है। सुनेंगे जरा, सुनना चाहते? और वैसे गौड़ मल्हार या मल्हार ये हमारे घराने का भी पेटेंट राग है। कितना सुंदर राग, कितनी सुंदर पेशकारी। पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस महफिल के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि पुणे में ये जब आपने गौड़ मल्हार गाया था, कुछ गाया था बसंत बिसंत ऐसे कोई दो राग गाए थे। हाँ जी, कम से कम घंटा सवा घंटा तो गाए थे। उसी टाइम भी इतना खुद बोलना भी अच्छा नहीं, इतना जम के गाया, लेकिन गाया मैं वो तो हम देख ही रहे हैं और हम जानते भी हैं। तो उस टाइम निवृत्ति बुआ थे, जगन्नाथ बुआ पंढरपुर कर थे, तो वो बोले आज यशवंत इतना तगड़ा गाया आज, अभी नहीं हम लोग गाते।
मतलब आप इसके ऊपर विश्वास रखो, मैं जो बोलता हूँ दिल से कहे कि भाई इतना ऊपर गया प्रोग्राम ये, हम नया भी गाएंगे। उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी गाने में, शायद 3 बजे भी होता था रात को 3 बजे, तो इसके मतलब बाद आपके गाने पे वो महफिल का समापन हो गया। नहीं, वो नए लोग गाए, वो लोग गाने, उन्होंने गाए नहीं, तो एक तरह से उन्होंने आपको बहुत सम्मान दिया। इसका मतलब उन्होंने ना गा के, क्योंकि आप इतना छाए थे कि आपके बाद किसी उन्हें ऐसे लगा कि आज तो हम आज नहीं गाते, तो ये भी एक उन जैसे बुजुर्ग गायकों से एक बहुत सरनाइक वैसे बुजुर्ग लोग, बहुत ही नामवर लोग थे, बहुत ही नामवर लोग थे उस टाइम, हम कितने थे, तो ये एक बहुत ही सम्मान आपको मिला उस महफिल में। और यहाँ जब तक आपने ये महफिल, ये दो महफिलें आपने की थी, एक जो अभी के महफिल, वैसे छोटा मोटे तो होते थे लेकिन ये एक याद है। तब तक आपने मीराशी बुआ जी के यहाँ ही सीखा था, आपकी जो संगीत की शिक्षा हुई थी वो मीराशी बुआ के यहाँ ही हुई थी या और किसी किन लोगों से आपने सीखा था? वो 1936 से जी 48 तक मैं वहाँ सीखा था। अच्छा, 1936 से 48 तक, ऐसे समझो बिल्कुल 12 साल। तो ये जो आपने दो महफिलें की थी उसमें मीराशी बुआ जी की ही गायकी आपने, हाँ तभी वो बाकी गाई थी। हाँ। और यहाँ पे और एक सवाल मैं आपसे पंडित जी पूछना चाहूँगी कि आज आपके पास अनेक व्यावसायिक और अव्यावसायिक यानी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल गायक या गायिकाएँ आपके पास सीखती हैं, उस जमाने में जो आप लोगों को सिखाया जाता था उसको तालीम कही जाती थी, और आज जो सीखना या हम लोग जो सीखते हैं उसको संगीत की शिक्षा बोलते हैं, तो संगीत की तालीम और संगीत की शिक्षा इसमें कुछ फ़र्क है, और अगर फ़र्क है तो वो क्या है आपके विचार में, संगीत की तालीम और संगीत की शिक्षा में क्या फ़र्क है? मैं उससे थोड़े बढ़कर एक बात और बढ़वा कि मीराशी बुआ ने आपको जो दी उसको आप तालीम कहते हैं? हाँ, तालीम कहते हैं। और आजकल जो मैं सिखाता हूँ, मैं भी खुद बोलता हूँ, तो हम बोलते हैं ट्यूशन है, तो दोनों में आप क्या फ़र्क करते हैं? क्या फ़र्क है आप ज़रा हमें बताएंगे तो हम भी जान जाएंगे। हमको जो तालीम या मिल गया ना, वो हमारा गुरु का सहवास रोज था, हर दिन, और दो दो तीन तीन घंटा। इसमें बात ऐसी है कि सीखने वाले भी बहुत कम थे लोग जी, जिसको ऐसे समझो करियर करने का है वही सीखते थे जी, वही करियर किया ना, इसीलिए दो दो तीन तीन घंटा की तालीम हमको मिल गया। मतलब अभी जो शौकिया तौर पे भी लोग सीखते हैं वैसे सीखने वाले नहीं थे, सिर्फ करियर करने वाले लोग सीखते। और ये जो अपना आपका सीखना शुरू हुआ मीराशी बुआ जी के यहाँ, तो कैसे, मतलब राग से शुरुआत हुई या सिर्फ सुर का लगाव या कुछ पलटे वगैरह सिखाए गए आपको, शुरुआत कैसे हुई आपकी? नहीं, वो पुराने ढंग की तालीम हुई जी, गुरुमुख जिसको बोलते हैं, इतना ग्रामर कहने की उस टाइम नहीं था। अच्छा, तो क्या कि भाई रागों का ये सुर है, आरोह ये है, अवरोह ये है, ऐसे कुछ नहीं जी, कि मैं बोलता हूँ आप सुन के गाइए। और आखिर तो संगीत ये श्रवण विद्या ही है, अनुकरण करो। हमारे को तो ऐसी तालीम नहीं मिले कि भाई उसका आरोह अवरोह ये है, कोमल तीव्र ये लगते हैं हमको, तो कि भाई हम गाते हैं बस गाइए, पहले बंदिश सिखा देते। अच्छा, ये ताल, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कोई ज्यादा। अच्छा, मतलब आपकी जो तालीम की शुरुआत हुई वो किसी राग की बंदिश से हुई? हाँ, बस पहले बंदिश, और बंदिश से ही राग मालूम होता है। तो आज जो आप अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं वो भी इसी तरह से शुरुआत करते हैं या थोड़ा सा राग के बारे में बताते हैं? पढ़ना जरूरी है। अच्छा, वो किस लिए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि थोड़ी फर्क करने की जरूरत है, पुराने लोगों ने जो सिखाया और आपने, इसमें फर्क क्यों किया, इसमें आपकी विचारधारा क्या है? नहीं, आजकल के जो स्टूडेंट आते हैं वो भी पढ़े लिखे भी है जी, ग्रामर भी जानते हैं वो थोड़ा कुछ जी, प्रचार और प्रसार के माध्यम भी हुआ है, बहुत सुनने को भी मिलता है उनको ज्यादा, तो ये बात है कि भाई शॉर्टकट ही हुआ है, सुलभ हो गया है थोड़ा, ये वक्त की जो वक्त की बात है से, और टाइम भी नहीं आने के लिए। फिर भी हम लोग ये जानना चाहेंगे, आपके जब तालीम की शुरुआत हुई मीराशी बुआ की, हाँ, तब आपकी उम्र कितनी थी? 9 साल। इसका भी
बैकग्राउंड। अब 9 साल की उम्र, ये तो ऐसी उम्र नहीं है कि आपको ये भी कुछ भी आप जानते थे कि ग्वालियर। हाँ, ये कुछ नहीं मालूम, मतलब मेरा शिवा बहुत नहीं, 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 वो, कुछ आपको नहीं, कुछ मालूम कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा शिवा के यहाँ जाना और ग्वालियर घराने का गाना सीखना, हाँ, ये निर्णय आपके बारे में कैसे लिया गया? आपको तो कुछ मालूम नहीं। इसका मतलब हमने तो निर्णय नहीं लिया, हमारा उम्र भी नहीं था, ये हमारे पिताजी ने लिया। इसका थोड़ा बैकग्राउंड जी कहना पड़ेगा। हाँ, हमारे पिताजी भजन अच्छे गाते थे। अच्छा। आवाज़ी बहुत अच्छी, हारमोनियम भी बजाते थे। हाँ। उसका पुना में भजन मंडल था, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड तो हम उम्र की 7-8 साल कान पर पढ़ते थे ना भजन उनका जी। और हमारे चाचा नथु नारायण जोशी उनका नाम। अच्छा। वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य, इसका मतलब लाहौर में जो गांधर्व विद्यालय की स्थापना हुई उसी में बॉन्ड लेके स्टूडेंट को रखते थे। अच्छा। 9-9 साल का बॉन्ड, मतलब उनसे कुछ ऐसे करारनामा किया जाता था, करारनामा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि 9 साल आपको यहाँ रहना पड़ेगा। उनके साथ विनायक बॉय भी थे, नारायण राव व्यास थे, बी आर देवधर थे, सब बच्चे लोगों का करारनामा करके लाहौर में परिस्थिति के अनुरूप वो चाचा गए। बात छोड़ो, तो बाद हमारी 9 बरस के जब है तो हमारे मौंजी बंधन रहते पंडित लोग हैं जी, तो काका हमारे वो बॉन्ड पूरा करके उनका बम्बई में विद्यालय था, विष्णु दिगंबर विद्यालय जी, वो खेतवाड़ी में उनका विद्यालय था, था शुरू में जी। वो गाने से भी हारमोनियम बजाते थे, दिलरुबा बजाते थे, तबला बजाते थे, उनको ज़्यादा ट्यूशन उनका था, गाना भी सिखाते थे लेकिन गाना कम था, तबला इंस्ट्रूमेंट सब। तो उनकी इच्छा थी कि हमारे पोते ने वही पढ़ना चाहिए उस। अच्छा। तो वो हमारे मऊजी बंधन को आए थे पूना में, उनका विचार था कि भाई इनको यहाँ डाले तो हमारा विद्यालय आगे वो चला गया। मतलब वो जानते थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको गाने में रुचि है। बस उनकी इच्छा था और पिताजी की थी इच्छा, लेकिन पिताजी के बड़े भाई थे वो। अच्छा। तो उसी पहले 1934 हमारे गुरुजी जी पूना में बसे थे, उधर भांबुर्डा करके नाम था उनका। हाँ। अच्छा। शिवाजी नगर आजकल नाम है। हाँ। उसी टाइम भांबुर्डा कहते थे। अच्छा, अच्छा। तो उधर उसने बंगला, मेरा शिवाजी, हाँ, बुआ का बंगला था उधर। अच्छा, अच्छा। वो 1934 में जी। और हमारे चाचा तो हमारे गुरुजी को जानते थे क्योंकि विष्णु दिगंबर के भाई, गुरु भाई, तो कभी कभी बम्बई में हमारे गुरुजी आते थे और उनके यहाँ ही ठहरते थे, तो उनको इतना ही मालूम थे कि हमारे गुरुजी के गुरु भाई थे, ऐसी जान पहचान थी उनकी। तो उसने डिसीजन लिया कि भाई आप यशवंत को उधर रखने का बुआ के पास। अच्छा। तो हमारे पिताजी हमारे गुरुजी के पास गए कि आज हमारे लड़के का मौजी बंधन है, रात को उनका गाना भी रखा था। अच्छा। हाँ, अच्छा, हमारे गुरुजी का। अच्छा। और हमारे चाचा तो थे ना, तो मौजी बंधन हुआ, हमारे गुरुजी का रात को गाना भी हुआ, और 2-3 दिन के बाद हमारे चाचा ने बोला कि यशवंत को आपके पास रखा है। अच्छा। तो ऐसी शुरुआत, मतलब ऐसी शुरुआत हुई, मतलब आपके चाचा इसके लिए कारण बन गए। हाँ। या सहरा उनके हाँ। सर पे जाता है कि आपको मीराशी बुआ जी जैसे बुजुर्ग लोगों की तालीम तो आपको शुरू हुई। पहले थोड़ा एक बरस हमारी उम्र 8 थी जी। तो पुना में भारत गायन समाज करके थे, वहाँ भी एक हमारा एक बरस शिक्षा हुए भारत गायन समाज करके। अच्छा। वहाँ बापूराव केतकर उनके भाई। अच्छा। बाबूराव केतकर, बापूराव केतकर ये भास्कर बुआ बखले के शागिर्द जी, और हम जो बोलते हैं बाबूराव, ये बापूराव के भाई। अच्छा। तो वो आपकी पहले गुरु। हाँ, एक साल बाबूराव, बाद में हम बाद में मेरा बोलते कि बुआ के पास गए। लेकिन पंडित जी आपको मैं और भी पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि वैसे संगीत की तालीम सही मायने में सही रूप में मीराशी बुआ जी के यहाँ ही आपकी शुरू हुई। हाँ। तो
उनकी एक आधी बंदिश, हालांकि आप काफ़ी सारी बंदिशें उनकी सिखाई हुई ही गाएंगे ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मीराशी बुआ जी ने जैसे आपको बंदिश सिखाई हो शुरू में उन दिनों में, ऐसे कुछ आपको याद है या आपको ऐसी कुछ एक आधी बंदिश आज तक वो आपके जहन में बैठी हुई है, आपके दिमाग में बैठी हुई है कि ये बुआ ने मुझे ऐसे ऐसी बंदिश सिखाई थी, तो अगर वो दिखा सकते हैं तो आप पहले तो ये भी बता देना कि अगर बुआ साहब जब आपको पढ़ाते थे तो किस बात पे वो जोर देते थे कि बंदिश कैसी पेश करनी चाहिए? पहले तो हम बोले कि अष्टयंत्रा बिठा देते। हाँ। उच्चारण में उसका बहुत ध्यान था। अच्छा, उच्चारण में लफ्ज का जो उच्चारण है वो सही ढंग से होना चाहिए। ये हाँ। बहुत अच्छी बात थी क्योंकि उस जमाने में लोग उच्चारण की तरफ ध्यान नहीं देते थे, बोलने का नहीं, खुला बोलो और खुले आकार। इसका कारण यह है कि हमारे गुरुजी में ड्रामा में थे, नाटक मंडली में, मीराशी बुआ बहुत सालों तक, बहुत सालों का नहीं, 25 साल। अच्छा, वो नाट्य कला प्रवर्तक ऐसी एक मशहूर कंपनी थी, उसमें गाना सीखने के बाद, लेकिन वो नाटक कंपनी में थे इसलिए वो आवाज का प्रोजेक्शन कैसा चाहिए, उसी टाइम लाउड स्पीकर या ऐसे कोई नहीं थे कि भाई यहाँ से गाए तो लास्ट इधर आना सुनना चाहिए ना, तो बिल्कुल फोकस से, यानी साउंड प्रोजेक्शन और उच्चारण, फुल थ्रोट और आवाज का थ्रो कैसे, फुल थ्रोट चाहिए, मुंह बंद करके गाए तो लगाते थे एक थप्पड़। ठीक, कोई बंदिश सुनाइएगा आप कि मीराशी बुआ साहब ने कैसे बताई होगी, मतलब वो जिस चीजों पे जोर देते थे कि उच्चारण पे या खुले आकार पर या बोल कैसे पर गाते थे। ठीक है, एक भीमप्लास की है। हाँ, देखिए इकार, जब भी अष्टयंत्रा बोलते आप तो ऑटोमेटिक उच्चारण बदलते, छवि इकार लग गया, छवि बहे मैंने सवाल किया था पंडित जी से कि शिक्षा और तालीम में फर्क क्या है, तो वो गायकी में नजर आ रहा है। जब इन्होंने बंदिश अभी पंडित जी ने हमें पेश की हमारे सामने, तो
अपने गुरु की गायकी जैसी सिखाई थी और जैसी थी वो आज भी दिखाना, ये तालीम के अलावा जो सहवास की आपने बात की, जो सान्निध्य की एक बात होती है जो पुराने ज़माने में आप लोगों को मिली, उसकी वजह से ही ये मुमकिन है। तो अभी शिक्षा और तालीम में ये फ़र्क है, फर्क हो गया है, टाइम टाइम की बात होती है जी, वक्त के हिसाब से आजकल चलना पड़ता है। कि रोज हमारा शिक्षण चलता था जी, अभी महीने के अंदर स्टूडेंट आए थे दो या तीन दिन जी, उसको कारण अलग अलग है, टाइम भी नहीं और वैसे गुरु को भी टाइम नहीं और स्टूडेंट को भी टाइम नहीं, और हमारे पास दो चार आदमी थे हम जब भी सीखते थे बुआ किया जी, और आज मेरे पास 25 और 30 स्टूडेंट है। तो हर एक को रोज सिखाना भी मुश्किल है और रोज सिखाना हुआ नहीं। अभी आपने कहा कि दो चार लोग सीखते थे जब आप मेरा से बहुत सारे वहाँ सीखते थे बराबर, तो ऐसे कोई खास जो भविष्य में गायक करके अपने सामने ऐसे कोई से आपके साथ गुरु भाई करके कौन? हमारे एक गुरु भाई इत्तल करंजी करके काने बुआ, अभी वो गुजर गए। हाँ हाँ अच्छा, ये डीवी पलुस्कर भी, अच्छा डीवी पलुस्कर जी, अच्छा अच्छा, दुर्दैवी की बात है कि हम जिसके अभी नाम ले रहे जी वो अभी नहीं है मेरे गुरु भाई, डीवी पलुस्कर विष्णु दिगंबर के लड़के, तो उन्होंने मेरा शिव, हम जब भी सीखते थे कभी कभी आते थे बुआ के, तो मतलब विष्णु दिगंबर जी तब नहीं थे इसलिए उन्होंने मेरा शिवा जी यहाँ सीखना शुरू किया, दिगंबर के गुरु ही भाई नहीं। हाँ जी, हाँ जी जी, और डीवी पलुस्कर और हम एक ही साथ पुनामी थे ना, अच्छा हाँ, तो कभी कभी आते थे, अच्छा, और हमारे दूसरे गुरु भाई राम मराठे, वाह दुर्देवी की बात है कि हम जिसके नाम ले वो आज नहीं, वो आज नहीं है, लेकिन और एक पंडित राव नगरकर थे कि जो नाट्य संगीत, लेकिन आपने पंडित राव नगरकर, लेकिन जिनके भी आपने नाम लिए हैं उन्होंने उन सब ने संगीत पे अपनी छाप छोड़ी है और बहुत ही नामवर ये सब गायक हुए हैं। तो और काणे बुआ और मैं, हमको तो स्कॉलरशिप था ये भी बात, अच्छा स्कॉलरशिप मतलब कौन सी स्कॉलरशिप? इसका मतलब 10 साल तो पहले सीखे, बाद में हमको मिल गया डॉक्टर भड़कम कर थे, एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे उसी टाइम, अभी लैमिंगटन रोड को नाम है उनका भड़कम कर, अच्छा, मार्ग, अच्छा वो डॉक्टर भड़कम कर, हाँ जी, उसने कोई एक रकम दिया था और इसमें से एक 3 साल हमको और काणे बुआ को वो शिष्यवृत्ति मिल गया था, स्कॉलरशिप भी मिल गया और डॉक्टर भड़कम कर की तरफ से मिल गया, ये हमको भी कृतज्ञता पूर्वक बोलना चाहिए, इसीलिए मैं बोला, अच्छा, कि 3 साल मिल गया तो उस टाइम 15 रुपया 15 रुपीज ओनली, अच्छा, लेकिन उस जमाने में 15 रुपया भी बहुत बड़ी रकम होती थी, हमारे उस्ताद को 50 रुपीज वो भी बहुत बड़ी रकम थी, आज के जमाने में 15 और 50 की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस जमाने में बहुत लेकिन इसकी कीमत 3 साल मिल गए थे। अच्छा आपने अभी बता दिया कि काणे बुआ राम मराठे, लेकिन गायक के नाते पुना में उस जमाने में कौन गायक थे जब आप सीखते थे? हाँ तो विनायक बॉय थे, हाँ मास्टर कृष्णराव थे, अच्छा वजे बुआ थे, अच्छा बापूराव केतकर मेजे बोले जी, वो भी थे जी, नहीं उस जमाने में एक ऐसा था कि जब हीराबाई बड़ोलेकर थी शागिर्दों को पढ़ाते थे तो वो दूसरों किसी का गाना सुनने की इजाजत नहीं देते थे, नहीं, नहीं, वैसा मेरा शिवा का तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, इतना नहीं। तो वो आपको मतलब परमिशन देते थे, इजाजत देते थे कि आप किसी का भी गाना सुन सकते हैं, उतना गाना भी कहाँ होते थे, नहीं फिर भी उस्तादों की रीति के भाई दूसरे का गाना नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो मास्टर कृष्णराव वजे बुआ उन लोगों का गाना आपके सुनने में आया होगा? हाँ हाँ वजे बुआ का तो, और मास्टर भी ऐसे समझो पुणे में जहाँ हम रहते थे बिल्कुल नजदीक वो लोग रहते थे, अच्छा ये भी एक कारण है जी, वजे बुआ तो बिल्कुल नजदीक गणपति फेस्टिवल में समझो प्राइवेट महफल में उन लोगों का कुछ प्रभाव आपके गाने पे? हाँ जरूर है, जरूर है, सुन सुन के भी उनको प्रभाव होता है ना, खास करके कौन मतलब वजे बुआ जी का या वजे बुआ जी का मास्टर का, अच्छा उनके गाने पर हमारे लोगों की भक्ति है, उनका तरकीब हम तो लोग करते हैं हमेशा, कैसे वजे बुआ की तरकीब करते हैं मास्टर की, वैसे बहुत लोगों नहीं आप मिसाल के तौर पे हम भी सुने वजे बुआ की, एक खाली एक दो बंदिश एक नमूने के वजे बुआ साहब, अच्छा वजे बुआ जी कौन से राग में सुनाएंगे पंडित जी? बाहर की सुनाता हूं, अच्छा अच्छा जरूर देखता
तो लगाव में फर्क पड़ गया देखिए जी। और भीगर भी वहां का एक तो सब ऊंचे स्वर के लोग सफेद चार में गाने वाले। अच्छा हमारे उस्ताद भी उनका स्वर काली तीन पानी चार। अच्छा और प्रोजेक्शन ये पुराने लोगों का ये बात ध्यान में रखिए। आवाज का जो लगाव होता था वो बहुत ही जोरदार जबरदस्त होता था, बहुत ताकत होती थी आवाज। अच्छा बुआ साहब, आजकल के जमाने में वॉइस कल्चर की बातें चल रही है, तो जो पुराने लोगों के अभी आपने बात की वजह बुआ या आपके गुरुजी पंडित महाराज से बुआ, तो क्या ये एक तरीके से वॉइस कल्चर की बात हो गई ऐसा आप कहेंगे? उसी टाइम जो तालीम मिलती थी ना वो वॉइस कल्चर, लेकिन वॉइस कल्चर उस ऐसा नाम नहीं उसने देखा, उसका एक्सप्रेशन नहीं किया भाई ये वॉइस कल्चर है या आईना देखो आज इतना करो मुंह इतना खोलो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल किया नहीं। मतलब उसमें जो थियरी है वो लोग नहीं जानते थे लेकिन प्रैक्टिकल जरूर जानते थे। इतना ये बात कि भाई खुले आकार पहला और जो व्यंजन है आ ई उ ए जी बन घन घ होना चाहिए बेलरी फू। अच्छा वो बोलते थे कि हर एक जो व्यंजन है वो क्लियर होना चाहिए व्यंजन या वॉवेल्स की जो क्लैरिटी है कोई व्यंजन की। जो लोगों का क्या होता है खाली आकार अच्छा लगता है, इकार लगता नहीं, इकार लगता है तो ऊ लगता नहीं, तो इसीलिए ऑटोमेटिक नादाकृति हो जाती है। ये देखिए कैसे सुख सुख सो वे नींद डरिया श्यामा मूरत सुर और नादाकृति ऑटोमेटिक बन जाती है ना। अच्छा इसीलिए कुछ आप ऐसे तो आई यू ऐसे तो नहीं बोल सकते जी, तो चीज लेने से और राग लेने से ऑटोमेटिक। जैसे देखिए जी कैसे सुख सोवे नींदरिया श्यामा मुरत
सीत सीता हो गया चारे कैसे सुख सो सोचा ओ आए और फिर आया सोचा सोच सदा इधर आखा सदा रंग उकलाई या विध गाठ पड़ी कैसे सुख सो। और दूसरी बात यह है पहले वो टेक्स्ट याद करके लेते थे ये भी हम बोलना नहीं चाहिए मतलब बंदिश का टेक्स्ट बंदिश। अच्छा इसका मतलब ये है कि जो कवि ने जो कविता किया उसने ब्याह किया क्या नहीं वो कैसे सुख सोए दिया लिख के समझ वो जो गाना ही वाले ने उसको कैसे सुख सोए बिहाग में बिठा बंदिश दिया में बिहाग राग में तो पहले याद होना चाहिए कैसे सुख सोए नींद रिया श्याम मुहूर्त चित चढ़ी कैसे सोच सोच सदा रंग उखला या विध गाठ पड़ी तो पहले टेक्स्ट याद होने से बोलांग को बहुत अच्छा रहता है। आजकल बात देखिए किसी को आप बोले कि भाई ये चीज गाइए बंदिश तो याद नहीं तो पूरा बंदिश गाना पड़ता है उसको कि बोलो धीट लंगर धीट लंगर वागे से घर फिर क्या जा वो जब भी गाते हैं तो भी याद होता याद होती है बोल के याद धीट लंगर वागे से घर जाओ सुन पावे मुरी सासन या छांड दे बोले ऐसे नहीं टेक्स्ट नहीं बोले तो पहले वो बोलते कि टेक्स्ट क्या है इसकी क्या वजह हो सकती है टेक्स्ट याद करने के पीछे क्या विचार बोलांग जब भी बोल बनाओ बनते हैं तो अब अस्थाई के माफक तो करते नहीं बोल जब भी बनाते हैं तो अलग अलग बोल बनते कि नहीं कैसे सुख सो दरिया श्यामा मुरत चित चढ़ी कैसे सुख सो अब ये काम बंदिश को कैसे सुख बंदिश तो अलग रहेगी आप अपने आइडिया से वो जी जी लेकिन बोलांग से जैसे कि हमारे ग्वालियर में राग की डेवलपमेंट ज़्यादा बोलांग से होती है कैसे देखिए एक तो पहले निशा गम पनी तो है अलग अलग फॉर्म बन जाते हैं निशा गम प आकार हो गया कैसे सुख सो जी वो फास्ट हो गया तान बन गया मतलब है तो एक ही बात सुर तो वही फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं जी जी अलग अलग फॉर्म बनते बात एक ही रहती है निशा गम बनी ये तो साइंस हो गया शास्त्र हो गया इसका मतलब आकार हो गया खाली आकार से डेवलपमेंट हो जाती नहीं आ खाली उसको आकृति नहीं है कोई समझ गया तान भी एक ही है ओनली फास्ट हो गया तो ये देखो बोल घुमाना भी एक बात है जी। तो इसको हम बोलते कि बोल बनाना और इसमें बोल में बात भी बनना चाहिए जी तो बोल करना ऐसे नहीं हाँ इसमें बात बनना चाहिए इसका मतलब ये है मुझे लगता है पंडित जी कि आजकल के जो सीखने वाले लोग हम लोग हैं उनके लिए एक संदेशा पंडित जी ने दिया है कि कोई भी राग सीखने से पहले या बंदिश सीखने से पहले वो बंदिश के बोल जो हैं वो याद करना बहुत ज़रूरी है जिनको बोल अंक से गायकी पेश करनी हो। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई और वो उस ज़माने में इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था तो मतलब ये इसमें ऑटोमेटिक आवाज़ का लगाव भी अच्छा होता है। अच्छा मतलब वो वॉइस कल्चर हो जाता था और वो बोलते थे हमारे गुरु जी की खाली बंदिश जो सिखाए मैंने वो रटते रहो ना। अच्छा एक तो क्या आवृत्ति भी हो जाती है मतलब रटना भी रटना भी हाँ रटना अभी इतना इतना हमको याद है लेकिन हम ऐसे वो नोटबुक लेके गाने को नहीं बैठते
बैठते हैं तो 25 और 30 बंदिश भी याद नहीं, और गाने को बैठे तो किताब रखता है सामने। तो हम लोग नोटबुक लेके बैठते हैं, डायरी लेके बैठते हैं, हमने क्या लिखा है, हमको पूरा याद है, इधर कंप्यूटर में डाल दिया तो बस हो गया फिर। लेकिन आजकल ये रटना भी कम होते जा रहा है ऐसा आपको लगता है? इसीलिए कि भाई लिख दिया और हम भी लिख देते आजकल, क्या करूं उस टाइम के चोपड़ी विपड़ी कुछ नहीं, बस रटते रटते अच्छा टाइम लगता था। ये बात है कि आजकल के जो स्टूडेंट है झट से याद करते, ये भी हमको मानना पड़ेगा जी। कोई भी कारण हो, सुविद्य लोग है, हमारे जमाने में भी इतने नहीं थे, लिखने को भी टाइम लगता था जी। ये भी नोटेशन भी कर लेते हैं कुछ लोग तो याद अभी, जल्दी अभी हो जो जाता सब है। बातें चल रही हैं वजीब वाह साहब के ऊपर से बात निकली है की। लेकिन आपने जो दूसरा नाम लिया मास्टर कृष्णा राव, अभी उनके गायकी का ढंग तो वजीब वाह साहब के गायकी से बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल। इसका प्रोजेक्शन देखिए और मास्टर कृष्णा राव का प्रोजेक्शन गले का, थोड़ा सा ये हल्का फुल्का। अच्छा, आपने बुद्धि और आपने गले के अनुसार कलाकार अपनी गायकी बनाते। अच्छा, और ऐसे बनाना भी चाहिए। हाँ, चाहिए ना जी, बिल्कुल सही बात है। हमारा गला कौन सा है उस तरफ चलिए, कि अपनी अनुकूलता क्या है उस मापक से ही चलना चाहिए जी। मास्टर कृष्णा राव के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये देखिए, हाँ 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 दुर्गा हे हो रंग भर दे हो रे हो रंग भर दे हो रे हो रंग भर दे हो री सिंदर गुलाल और अबीर रंग थाल केसर रंग के दे हो री ये हो रंग भर दे बहुत बंदिश है, आप गाते भी एक ऐसे एक नमूने के। अच्छा, तो इन दोनों गायकों का आपके ऊपर असर बहुत था, बहुत असर था। हमारे उनके ऊपर भक्ति भी है। अच्छा, हाँ, कभी उनके पास कुछ सीखने का मन में आया? वैसे सीखने का मौका तो नहीं आया, नहीं आया। मास्टर जी के पास नहीं आया, बहुत सुना लेकिन। अच्छा,